रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के छतरपुर स्थित अग्रवाल धर्मशाला में, जहां पर स्वस्ति फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से हमारे भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ मौजूद है स्वस्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष शैलेश जी। शैलेश जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। आज ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आप मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज के दिन हम बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है हमने, और आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो अपनी बात रखी वो शिक्षा को लेकर के, कि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो अपने अधिकारों को, अपने हक के बारे में जानेगा। हम चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति समाज का जागरूक बने, सशक्त बने, शिक्षित बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इसी अपेक्षा को लेकर के हमने समाज के सभी वरिष्ठ लोगों को, आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी जो कि आज के हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि भी रहे, भाई प्रदीप गुप्ता जी, आचार्य मुकेश शास्त्री जी, आचार्य डॉक्टर देवेश जी, सभी लोगों के मार्गदर्शन में हमने इस कार्यक्रम को रखा, और हम आगे भी अन्य अन्य महापुरुषों के जन्म जयंती या उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करते रहेंगे, और चाहते हैं कि समाज में एक, जैसे कि हमने कार्यक्रम का नाम रखा समरसता सम्मेलन, आपसी सहयोग, आपसी व्यवहार, वो हमेशा बना रहे, प्रेम बना रहे आपस में एक दूसरे के प्रति, और हमारा जो देश है, जो हमारा समाज है, उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, ऐसी हमारी अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? ब्रजेश गौतम। ब्रजेश गौतम जी, जो आज ये हम जयंती मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती स्वस्ति फाउंडेशन के इस आयोजन में यहाँ आयोजित हुई, और इसमें हम समाज में जो परस्पर वैमनस्य है वो हटे, हम सब मिलजुल करके देश की उन्नति में भागीदार बने, और संविधान में जो निहित मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हैं उसमें विवेक करते हुए देश की उन्नति के लिए सब मिलजुल करके आगे बढ़ें, यही शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से संदेश सभी समाज के लोगों के लिए आज इसका था कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? डॉक्टर देवेश प्रकाश। देवेश जी, आज हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के? सबसे पहले जो आज के स्वस्ति फाउंडेशन द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम है, उसका मूल संदेश यही है कि हम समाज का जो आज का जो माहौल बिगड़ रहा है उसको बिगड़ने से रोकें, और हम मूलतः प्रेम और सौहार्द के अभिलाषी हैं, और वही प्रेम और सौहार्द हमारे देश में आगे बढ़े। शिक्षा जो है समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, शिक्षा में हम आगे बढ़ें, ये बहुत बड़ी आज की जिम्मेदारी है। इसके लिए हम समाज में जागरूकता ला रहे हैं, और हमारे जो महापुरुष हैं उनको कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्थान मिले, उनके विचारों को, उनके कार्यों को, उनकी महानताओं को, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और शाल की से में भाईचारा, क्योंकि हम समरसता की बात कर रहे हैं, और शाल के प्रेम में भाईचारा समरसता से रहना सीखो, और शाल के प्रेम में भाईचारा समरसता से रहना सीखो, वो सर्वधर्म संभाव सदा ही। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कही कि सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर वो भावना नहीं आएगी, हम अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते, और इस देश को आगे ले जाने में सिर्फ बड़े व्यक्तियों का योगदान नहीं होता है, छोटे बच्चे से लेकर युवक, युवती, बुजुर्ग, जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का अपना योगदान है। किसने विरोध किया? जो मजबूत होता है उसका विरोध सब करते हैं, कमजोर का कौन विरोध करेगा? इसलिए मजबूत का विरोध होता है, अब वो मजबूत और मजबूत हो जाता है, उससे कमजोर होता है, धीरे धीरे की बात। तो आप सब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से देखना चाहेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा, चाहे आजकल इतनी सुविधा है, साधन है, गूगल पर आप देख सकते हैं, किताबें आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि विरोध से व्यक्ति मजबूत बनता है। अगर आप सब या हम सब उस विरोध को अपने अंदर केवल मात्र विरोध करके चार लोगों से कहते फिर पर्दे के पीछे, तो लाभ नहीं है उसका। परिवार में भी आप देखते होंगे कि कई बार किसी सदस्य का ज्यादा विरोध होता है, हो सकता है उसके अंदर कोई दोष हो या गुण हो, लेकिन यदि वह व्यक्ति उस विरोध को सकारात्मक दृष्टि से लेता है तो आगे बढ़ जाता है। पहाड़ पर चढ़ने में मुश्किलें होती हैं, वहाँ धीरे चलना पड़ता है, लेकिन जिसे ऊंचा चढ़ने की इच्छा है, चाहे वो शरीर से समर्थ हो या ना हो, वो वहाँ पहुंच जाता है। लेकिन जो पहले देख रहे वो चोटी बहुत ऊंची है, वहाँ कैसे पहुंचूंगा, जब कैसे पहुंचूंगा और मेरे
वहां से गिर गया तो क्या होगा या चोट लगी तो क्या होगा, जो ये सोच लेता वो कहीं नहीं पहुंच सकता और वहीं खड़ा खड़ा अपनी जिंदगी बिता लेता है। सर, भीमराव अम्बेडकर जी एक बहुत महान देश के शख्सियत थे और एक बहुत महान नेता थे, तो उनके से जो हमें प्रेरणा मिलती है, मुझे आज इतने सारे महान लोगों को सुनने का यहाँ पे मौका मिला। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम आतंकवादी बन गए या हमने बंदूक का सहारा ले लिया। इंग्लिश में एक कहावत है, सिंस आर ब्यूटीफुल, जो अधर्म होता है वो आकर्षक लगता है। तो इतने सारे जो उनके संग दुराचार हुआ, इतने सारी चीज़ों का सामना करने के बावजूद उन्होंने किसका सहारा लिया? विद्या का। उन्होंने सहारा लिया पुस्तक का, कलम का। तो उनका ये जो उनकी उनसे जो शिक्षा मिलती है उनके व्यक्तित्व से, वो यही शिक्षा मिलती है कि आपके संग जो दुराचार होता है या जो आपके संग जो भी कुरीतियाँ होती हैं, आप उसका मंथन करें, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में निखर कर आएँ, ना कि आदताई बने, ना कि बंदूक उठाएँ। और चार लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ, विजय तन, मतलब जो धर्म का अगर हम रास्ता चुनते हैं तभी हम अच्छे सफल बन सकते हैं, और एक विद्या का रास्ता चुनते हैं, पढ़ाई लिखाई का रास्ता चुनते हैं। तो चार लाइन मैं बोलना चाहती हूँ। जी, स्वागत। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इस संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत क्या, भुवन की जीत मिट्टी है भुवन में, उसे क्या खोजना घड़ी भर की दमक में, शरण केवल उजागर धर्म होगा, अंत में सहारा सत्कर्म होगा। थैंक यू सर। बहुत सुंदर संदेश अर्चना सिंह जी का। समाज को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके के चैलेंजेस को भीमराव अम्बेडकर जी ने पार कर और एक महान शख्सियत बनाए, हर इंसान उसको उस जीवन से प्रेरणा ले कि इस तरीके की चैलेंजेस अगर आपकी ज़िंदगी में भी आते हैं या आते रहेंगे और हमेशा आते रहेंगे, हर एक की लाइफ में आते हैं, उस चैलेंज को चैलेंज एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, यही मैं कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा वाणी ने बताया कि चैलेंजेस हर एक के उसमें आते हैं, है ना, लेकिन हम उसमें से क्या पॉजिटिव लेते हैं और क्या नेगेटिव लेते हैं। अगर हम नेगेटिव लेके पीछे हट जाएंगे या नेगेटिव लेके बैठ जाएंगे तो कहीं पीछे रह जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने लिया होगा उस समय, उनको भी चैलेंजेस आए होंगे, अकेले वो नहीं थे जिनकी ज़िंदगी में वो चैलेंजेस आए, ऐसे हज़ारों लाखों आदमी रहे होंगे जिनकी ज़िंदगी में वो चैलेंजेस आए, उनसे पहले भी काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में वो चैलेंजेस आए होंगे, वो कठिनाइयाँ आई होंगी, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी ने उन चैलेंजेस को पॉजिटिवली लिया, उसको अपने संकल्प में जोड़ते गए कि भाई मुझे इस जो मेरा समाज है, जो मेरे जैसे लोग हैं, इनको मुझे आगे कैसे लेके जाना है। और उनको उन्होंने वो रास्ता दिखाया कि अगर आप चाहो, आप में लगन है, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आज केवल उनका वर्क नहीं, हम सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं, चैलेंजेस हमारे सामने भी आते हैं, हम अगर अच्छे वर्क से हों या बुरे छोटे वर्क से हों, किसी भी वर्क से हों, चैलेंजेस हर एक की लाइफ में है। उनकी ज़िंदगी से एक ही प्रेरणा मिलती है, किसी भी महान विभूति की ज़िंदगी से एक ही प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके समक्ष कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को कैसे उनका सामना करना है, और एटलीस्ट अगर आप अच्छा और कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अपने जैसे आदमियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करें कि उनके सामने वो चैलेंजेस आएँ तो क्या करना चाहिए, या उनके सामने वो चैलेंजेस आए ही ना। है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संदेश दिया है वही आत्मसात हमें करना चाहिए। बाबा साहब को बाबा साहब क्यों कहा, ये एक सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक परिवार में जो बच्चा थोड़ा अक्षम होता है, जो कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी चिंता उन्होंने ज़्यादा की, पूरे भारत की चिंता की, उन्होंने शिक्षा और समृद्धि के बारे में सोचा, उसके लिए उन्होंने केवल कहा ही नहीं है, करा है, खुद से जिया है। तो मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे महापुरुष हमें रिचार्ज करते रहते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमें उनके इतिहास से सीखना चाहिए। धन्यवाद। शांति शांति शांति।